फ्रेंड्स, आप शाला दर्पण पर अंक प्रविष्ट करना चाहते हैं और तृतीय भाषा को लेकर के अगर परेशान हैं, आप तृतीय भाषा के विषय को देख नहीं पा रहे हैं, तो ये वीडियो देखिए। सबसे पहले विद्यार्थी पूर्व जारी प्रपत्र में तृतीय भाषा विषय प्रविष्टि प्रपत्र 7 अ को क्लिक करें और सेशन क्लास, हर क्लास के लिए एक बार आपको करना पड़ेगा, और सेक्शन सेलेक्ट कर गो पर क्लिक करें। आपने क्लास 10th सेलेक्ट किया है तो ये काम मेरा पहले हो चुका है, इसलिए मुझे पूरे स्टूडेंट्स की लिस्ट मिल रही है। अगर आपने ये काम नहीं किया तो यहाँ तो या तो कुछ ही स्टूडेंट्स की मिलेगी लिस्ट या फिर नहीं, 0 स्टूडेंट्स की मिलेगी। तो आप इस पेज के एकदम लास्ट में जाएँ और सबमिट ऑल स्टूडेंट सब्जेक्ट्स, इस पर क्लिक करें और आपको ये मैसेज मिलना चाहिए, सक्सेस स्टूडेंट्स फॉर्म 7A एडेड और अपडेटेड। इसके बाद आप जाए रिजल्ट सेक्शन में और परीक्षा परिणाम प्रविष्टि और क्लास सेक्शन और टेस्ट या एग्जाम, किस टेस्ट या हाफ ईयरली या एनुअल के आप मार्क्स प्रविष्ट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें। और सब्जेक्ट, अभी हम संस्कृत पर कंसंट्रेट कर रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम कुछ साथियों को हो रही है। शो, जहाँ पर आपको ये छोटी सी लिस्ट पहले दिखाई दे रही थी, अब कंप्लीट स्टूडेंट्स की लिस्ट मिलेगी। और जब आप प्रविष्ट कर चुके होंगे, प्रविष्ट करने में अगर आप टैप बटन का प्रयोग करते हैं तो काम बड़ा फास्ट हो जाता है। जैसे ये आप मार्क्स आप हाफ ईयरली के भर रहे हैं अगर हम, तो और बहुत ही फास्ट हम टैब से नेक्स्ट क्लिक पर चले जाएंगे जहाँ पर हमको अगली एंट्री करनी होती है। और जब आपकी एंट्री पूरी हो जाए तो केवल सेव ऑल पर क्लिक करें। और ये हुआ या नहीं चेक करने के लिए आप स्टूडेंट रिजल्ट क्लास वाइज में जाकर देखें। अभी हाफ ईयरली देखिए, मेरे 10th का नहीं हुआ है क्योंकि अभी मैंने आपके सामने खोला ज़रूर था पर फीड नहीं किया था। तो जो जो क्लासेस की आपके उस सब्जेक्ट की फीडिंग हो चुकी है वो आपको यहाँ पर भरी हुई मिलेगी, अन्यथा 0-0 मिलेगी। थैंक यू।